कैसे हो आप सब? आई होप यू आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोगों ने इस स्टोरी के बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अरे हेलो मेरे भाई लोग, तुम सब यहाँ क्या कबूतरों की तरह कुटरगु कर रहे हो? जरा मुझे भी तो बता। जंकल, क्या मैं हबी को बता सकता हूँ? बता दो, वैसे भी हबी थोड़ी ना किसी को बोलेगा। ओके हबी, तुम्हें पता है मुझे और जंकल को कोई पसंद आ गया है। कौन पसंद आ गया है तुम लोगों को? वो जंकुक जिसे पसंद करता है ना, उसका नाम ते है, और मैं जिसे पसंद करता हूँ ना, उसका नाम जिमीना है। तो भाई लोग, तुम सब ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? तुम लोग तो जानते ही हो ना, मेरे को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एक बात सुन लो हॉबी, जब तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा ना, तो तुम भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सुधा भाई, मुझे कोई पसंद कर ही नहीं सकता, और मैं भी किसी को पसंद नहीं आऊंगा। फिर जय वहाँ से चला जाता है। सर, जंकुक ने फिर से आपके लिए काम करने वाले को मार डाला। ओके ओके, जल्दी से पता करो कि जंकुक अभी कहाँ पर है। ओके बॉस, मैं पता करता हूँ। मेरे को तो खुद डर लगता है जंकुक से, मैं कैसे पता कर सकता हूँ? अब बॉस ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। अगर मैंने नहीं किया तो बॉस तो मुझे ही मार डालेंगे। ओके, मैं जल्दी से जाता हूँ। आज तो मैं इतना मेकअप करूंगी कि जंकुक मुझे देखकर पागल ही हो जाएगा। वो पागल नहीं होगा, बिकॉज़ क्योंकि तुम पागल हो ना, इसमें कोई शक नहीं है। जिमीना, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि तुम नंबर वन बेवड़ी हो। ओह माय गॉड, तुमने मुझे बेवड़ी कहा, तो तुम छपरी हो। मैं छपरी नहीं, तुम नंबर वन छपरी हो। कौन इतनी सुबह सुबह लड़ रहा है? हाँ, वही दोनों लड़ती होंगी, उनका तो रोज का है। मैं जाती हूँ उन्हें छुड़ाने के लिए। अब क्या हुआ, तुम दोनों को फिर से दौड़े पड़ने शुरू हो गए क्या? तुम दोनों क्यों लड़ रही हो बताओ मुझे? ये टे मुझसे लड़ रही है। नहीं मॉम, जिमीना ने पहले शुरू किया था। ओके ओके, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और जाओ जल्दी से रेडी होकर जॉब के लिए। अब मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट ब्रेकफास्ट भी बनाया है। ओके मॉम, मैं जाती हूँ। चलो, मैं जाकर जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और वहाँ पर लिसा भी है, मैं उससे पूछ लूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। रुकेगी।
वो भी तुम्हारे साथ। तुम्हें समझ में नहीं आता टेर कि वो एक माफिया है और लिसा ने क्या कहा था कि तुम उससे दूर ही रहना। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम जंगकुक को लाइक करती हो। हाँ, इसमें कोई शक? वो तो मुझे ना एक ही नजर में पसंद आ गया। वो इतना कूल और हैंडसम जो है। अब देखना टेर, मैं ये बात लिसा और मॉम को बता दूंगी। जिमिना प्लीज मत कहना उन्हें। मैं क्यों ना कहूँ, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? ओके बताओ जिमिना तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वो लाकर दूंगी तुम्हें। ओह रियली? तो सुनो, तुम मुझे अपने पैसों से रेस्टोरेंट में डिनर करवाओगी? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है जिमिना? तो ठीक है, मैं मॉम को बता देती हूँ। ओके मैं तुम्हें खिलाऊंगी। बट तुम ये बात मॉम और लिसा को मत बताना। ओके, हम लोग जॉब करने के बाद रेस्टोरेंट पर डिनर करने के लिए चलेंगे। ओके, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओके, अब ज्यादा बातें मत करो, अब जल्दी से जॉब के लिए चलो क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। तुम दोनों इतने लेट कैसे पहुँचे, बताओ मुझे? I'm so sorry, वो कार की पेट्रोल खत्म हो गई थी, इसीलिए हमें लेट हो गया। Oh really? बहाने बनाना तो कोई तेज़ ही सीखे। असल में तो पूरा टाइम इसने मेकअप में ही वेस्ट कर दिया था, बोलेगी क्या? Okay, अब जाओ वर्क करने के लिए और अब से लेट मत होना। Okay सर। क्या तुमने मुझे सर कहा? जिमिना तुम जा सकती हो वर्क करने के लिए, और तुम यही रुको टे। ओके, मैं चलती हूँ। जिमिना मत जाओ प्लीज, मेरे साथ रुको ना। तुम ही ना कहती हो टे कि मैं जंगकुक को लाइक करती हूँ, तो मैं क्यों बोला तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनूं?